बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काजमी। नाज़रीन, आज से 40 साल पहले जब अमेरिकन हेलीकॉप्टर अपने आखिरी फौजी को वियतनाम से निकाल रहा था तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसी जगह पर जहां से इस फौजी को निकाला जा रहा है यहां पर दानांग आईटी पार्क बनेगा। ऐसा पार्क जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल कॉन्टेंट्स, ऐप बनाने वाले, वो तमाम काम जो आप ऑनलाइन देखते हैं वो यहाँ पर होंगे। जहाँ पर अमेरिकन फौजी जाया करते थे, फिर वहाँ पर सैमसंग, तोशीबा, एलजी, डेल टेक और आईबीएम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने डेरे डाल दिए और वियतनाम की जो इकोनॉमी थी उसे टेक इकोनॉमी के नाम से पूरी दुनिया में बूम मिला। ये सब करने वाला डॉक्टर एच क्यू न्यून, ये वो शख्स था जो अमेरिका में सिलिकॉन वैली से पढ़कर आया और उसने आकर वियतनाम की तकदीर बदल दी। आप वियतनाम के हालात देखें, आज से 40 साल पहले एक तबाहशुदा मुल्क आज किस तरह तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, और ये सब कुछ करने वाला शख्स एक विजन साथ लेकर आया जो उसने इम्प्लीमेंट किया और उसकी वो तमाम इम्प्लीमेंटेशन जो पॉसिबल हो गई। वियतनाम में भी पाकिस्तान की तरह हर कोई यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था, लेकिन इस शख्स ने उनको एक सिमत दी, एक डायरेक्शन दी और वो लोग तरक्की कर गए। उनकी आबादी भी 9 करोड़ है और 30 साल औसतन नौजवानों की उम्र है। पाकिस्तान में सिर्फ 10 करोड़ माशाल्लाह नौजवान और उम्र तकरीबन पाकिस्तान में 24 साल से भी कम। आईटी के सारे दीवाने, स्मार्टफोन सबके हाथों में, फेसबुक की सबकी आइडियाँ, यूट्यूब पर सब मौजूद। इसीलिए जब इमरान खान क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, इमर्जिंग पाकिस्तान, नया पाकिस्तान के बाद जब डिजिटल पाकिस्तान कहते हैं तो यकीन करें उम्मीद का दिया रोशन हो जाता है। उसकी वजह यह है कि मैं खुद सोशल मीडिया पर काम करता हूं और मैं जानता हूं कि लोग कितनी खुश दिली से कंटेंट को देखते हैं। इस चीज़ को साबित करता है कि अगर उनको डायरेक्शन मिली तो इंशाल्लाह आने वाले दिन बेहतर से बेहतर होंगे। अभी दुनिया में अगर आप अरबपति लोगों की लिस्ट उठाकर देखें तो उसमें आईटी, कंप्यूटर और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत से लोग हैं। पाकिस्तान में भी लोग फेसबुक, यूट्यूब और इन दीगर ऐप से लाखों रुपए महाना घर बैठे हुए कमा रहे हैं। ये लोग अपनी डिजिटल स्किल्स को यूज़ करते हैं। हमारी टीम में मौजूद एक अहम शख्स जो अपना काम करते हैं, उनको फेसबुक ने अभी 3 लाख रुपया देना है, लेकिन पाकिस्तान में बैंकिंग, ई बैंकिंग या ई कॉमर्स की ये फैसिलिटीज़ फेसबुक और पेपैल का ना होना, उनको अभी तक वो पैसे नहीं मिल चुके और इस बात को 3 से 4 महीने हो गए हैं। इसी तरह ये केसेस बहुत सारे लोगों के साथ हुए होंगे, क्योंकि हम लोग डिजिटल पाकिस्तान की तरफ अभी उस तरह नहीं जा रहे जिस तरह हमें जाना चाहिए। हमें अगर पाकिस्तान का नक्शा बदलना है तो इन तमाम नौजवानों को, ये खातून जो गूगल में नौकरी छोड़कर पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए आई हैं, तानिया इदरीस, उनके हाथ मजबूत करने, उनके विजन को, उनकी पॉलिसीज को, उनकी जो ट्रिक्स, उनके गैजेट्स वो साथ लाई हैं, वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट करवाने हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया में यहाँ डॉक्टर आमिर चीमा साहब से बात की जो कि PhD हैं। अगर मैं उनका रेज्यूमे पढ़ने बैठ गया तो ये बड़ी देर हो जाएगी, लेकिन ये PhD हैं, इनकी रिसर्च है, स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स ले चुके हैं। सबसे बढ़कर बिल गेट्स को उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए, माइक्रोसॉफ्ट का जो बानी है उन्होंने इसको बड़ा सराहा। आज मेरे प्रोग्राम में ये मेरे मेहमान होंगे। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में जहाँ पर भी बड़े लोग हैं, जो बड़े लोगों से मुराद PhDs हैं, स्कॉलर्स हैं या डिजिटल पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं, वो प्लीज़ हमसे जुड़ें। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर उन लोगों से, आप लोगों के कॉन्टैक्ट करवाएंगे, हम ब्रिज बनेंगे ताकि हमारे नौजवान जो पाकिस्तान में सिमत के एक रास्ते के मुंतजर हैं उन्हें कोई रास्ता नज़र आए कि किस तरह वो लोग भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को वियतनाम की टेक इकोनॉमी की तरह बूम दे सकते हैं। मेरे साथ रहे प्रोग्राम में, आज बात करते हैं डॉक्टर अमर चीमा साहब से। बट बिफोर आई गो टू दैट, रिसेंटली देर इज़ अ न्यूज सर्कुलेटिंग दैट ऑस्ट्रेलिया हैज स्टॉप द फाइनेंशियल एड टू पाकिस्तान। वे फ्यू पीपल आर क्वाइट अपसेट, बट आई थिंक दिस इज़ अ फैंटेस्टिक एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हैज पब्लिकली सेड वे फ्यू टाइम्स, स्पेशली इन अमेरिका, दैट पाकिस्तान डू नॉट नीड एड बट ट्रेड। That means Australia should open up their borders for import and export, so the bilateral trade and the biggest trade economy should have some share with Pakistanis. I know genuinely Australians and Australian government has concern for future and betterment of Pakistan, and this trade will definitely help. Aid will not help Pakistan. आइए आज के प्रोग्राम में बात करते हैं डॉक्टर आमिर चीमा साहब से। मेरे साथ रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा डॉक्टर आमिर चीमा साहब, ये बताएं कि क्या पाकिस्तान वियतनाम, इंडोनेशिया की तरह
सिलिकॉन वैली या डिजिटल पाकिस्तान बन सकता है? थैंक यू वेरी मच काजमी साहब फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, जो सिलिकॉन वैली है बेसिकली ये एक हब है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कंपनीज की। जहाँ तक मैंने डिजिटल पाकिस्तान के बारे में पढ़ा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, इसका जो कैनवस है वो काफ़ी वसी है, क्योंकि इसमें जो डिजिटल इनोवेशन है वो सिर्फ एक पिलर है। इसके अलावा हम बात करें इसमें ई गवर्नेंस की, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, डिजिटल लिटरेसी की। तो कहने का मकसद ये कि इसका कैनवस और इसका स्कोप जो है काफ़ी बड़ा है। तो इसी तरह जो पोटेंशियल हैं और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफ़ी वसी हैं। अब अगर हम बात करें डिजिटल इनोवेशन की, तो ये आपको रिलेट करेगा सिलिकॉन वैली से, मगर मेरा ख्याल है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है एग्जीक्यूशन की, इम्प्लीमेंटेशन की। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, विजन बहुत अच्छा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, सही से एग्जीक्यूट कर पाना सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। तो आई थिंक दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आई होप कि जैसा इसको एनविजन किया गया है वैसे ही इसको हम कर पाएँ, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। और जैसा कि कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, तो अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, अगर हम इसको सिलिकॉन वैली से रिलेट करना चाहते हैं, तो हमें प्रोवाइड करनी होंगी अपने नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा कि वो नए आइडियाज़ को, नई इनोवेशंस को आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ऐसी हमें पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से हेजिटेट ना करें। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका लॉ एंड ऑर्डर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अभी नौजवानों को कौन से ऐसे कोर्सेज करने चाहिए, किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए जो ना सिर्फ डिजिटल पाकिस्तान में मदद कर सके बल्कि इसके अलावा उनके फ्यूचर में भी उनकी मदद करे। बात करना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस या आईटी में कौन से फील्ड हैं जिनका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आज से 10-15 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टिल बहुत काम हो रहा था, पर उसका फुल पोटेंशियल जो टैप हुआ है वो पिछले कुछ सालों में हुआ है। और अब आप देख रहे होंगे कि हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक किस्म का इनकलाब ला रहा है। तो मेरा ख्याल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हैविंग सेड दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी स्किल सेट, आपका एप्टीट्यूड उस जो फील्ड आप पढ़ना चाह रहे हैं आपका उससे मैच करता है कि नहीं। अब अगर आप किसी स्टूडेंट को कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर लें, इसका बड़ा स्कोप है, वो उसको लेना शुरू करता है कोर्स, आफ्टर सम टाइम ही रियलाइजेस कि उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं, वो लेट से मैथ्स या स्टैट्स में इतना स्ट्रांग नहीं, देन वो डिसअपॉइंट होकर हो सकता है छोड़ दें। तो मेरा ख्याल हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो एक की चीज़ है जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकें और ऑन द गो वो अगर चाहें तो अपने डायरेक्शन चेंज कर सकें। ये एक मेजर डिफरेंस है जो मैंने यहाँ ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में देखा पाकिस्तान के निस्बत, वो ये है कि यहाँ पर जब आप डिग्री स्टार्ट करते हैं तो कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको लेने ही लेने हैं, मगर इसके साथ काफ़ी सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट लेना चाह रहा हूँ या ये सब्जेक्ट लेना चाह रहा हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप स्टूडेंट्स अपनी एप्टीट्यूड के मुताबिक कोई सब्जेक्ट ट्राई कर सकता है, अगर वो उसको अच्छा लग रहा है, उसको उस सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा है, तो वो उस तरह के मज़ीद सब्जेक्ट्स चूज़ करके अपनी स्पेशलाइजेशन उस तरफ लेके जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में जहाँ तक मुझे पता है, आप फर्स्ट ईयर में आप डिसाइड करेंगे आपने कौन सा फील्ड करना है, देन यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट एजुकेशन, जो कि मेरा ख्याल है काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि जब आप एफएससी या ए लेवल के बाद जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको सही से अंदाज़ा नहीं होता कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका इसमें इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं। डॉक्टर साहब, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी आईटी एक्सपर्ट्स हैं, आप जैसे लोग हैं, वो डिजिटल पाकिस्तान में अपना हिस्सा किस तरह डाल सकते हैं, किस तरह सहमत दे सकते हैं नौजवानों? देखें, एक तरीका तो ये है कि आप पाकिस्तान जाएं, वहाँ फिज़िकली मौजूद हों और आप इस प्रोजेक्ट में हेल्प करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी ख़ास एस्पेक्ट में इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान की हेल्प कर सकते हैं, तो जैसा कि अपनी स्पीच में मिस तानिया ने कहा कि आप उनसे, उनकी टीम से रابطہ करें, अगर आप कहीं पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप उनसे रابطہ करें और फिर
डिस्कशन चलेगी कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट बहुत सी जगहों पर आप वहाँ नहीं जा सकते, आप बाहर बैठकर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपने अपने फील्ड में आपको देखना है आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मेरा ताल्लुक एकेडमिक से है, मेरी जो जॉब है वो टीचिंग एंड रिसर्च है। मैं जैसे पाकिस्तान अगर विज़िट करूँ तो वहाँ पर मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से विज़िट करूँ, वहाँ पर रिसर्च कलेब्रेशन बनाऊँ ताकि से मुझे भी फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। और यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं तो मैं कोशिश करूँ कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। इसी तरह किसी भी फील्ड में, लेट से आप किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप आउटसोर्स करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वो आप पाकिस्तान की किसी कंपनी को आउटसोर्स करें ताकि इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और उसका उनकी इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो। फाइनली आई थिंक अगर आप पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं, जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आपको बाहर से चाहिए तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो किसी कंट्री का इमेज होती है। तो आप पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए बात करें, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हों, किसी से भी डील कर रहे हों, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान की जो अच्छी चीज़ें हैं वो हाईलाइट करें। आप खुद अपने बिहेवियर से आप साबित करें कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो टैलेंटेड हैं, ऑनेस्ट हैं, हार्डवर्किंग हैं, इससे बड़ा फ़र्क। अच्छा, तानिया इदरीस साहिबा या वो पाकिस्तानी जो अपनी करोड़ों की माहाना तनख्वाहें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे इदारों में छोड़कर पाकिस्तान के लिए जाते हैं, एक प्रोफेशनल आईटी एक्सपर्ट होने के नाते आप बेहतर समझ सकते हैं ये कितना मुश्किल होता है, आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये काफ़ी एक मेजर स्टेप होता है किसी के लिए भी अपना करियर छोड़कर, एक अच्छी जॉब छोड़कर, अपनी फैमिली के साथ अगर आप स्पेशली मैरिड हैं उनके साथ आपको मूव करना एक बड़ा स्टेप होता है। मेरा ख्याल है कि ठीक है सैलरी आपकी मनी इज़ अ फैक्टर, लेकिन मैं ख्याल सर्टेन स्टेज पे जब आप करियर के पहुंच जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों के जो मोटिवेशन होती है, जो चीज़ उनको ड्राइव कर रही होती है, वो ये होती है कि वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी ओवरसीज़ प्रोफेशनल हैं पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान जाने में सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा कंसर्न उनके जहन में होता है कि मैं वहाँ जाकर कितना कंट्रीब्यूट कर सकूँगा, क्योंकि यहाँ से मुल्क एक जगह पे आप सेटल हैं, वहाँ से अगर आप वापस जा रहे हैं तो आपकी ख्वाहिश होगी, आपकी मोटिवेशन यही होगी कि मैं वहाँ पर अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो कंसर्न यही है कि वहाँ जाकर के आपको ऐसे मौके मिलेंगे, क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्या इस किस्म का एनवायरनमेंट होगा जो आपको सपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। जैसा कि मिस तानिया कल बता रही थी कि उनकी 6-7 महीने डिस्कशन चली इस टॉपिक पे, उन्होंने ऑफ कोर्स देखा होगा कि इसके पीछे खान साहब की सपोर्ट है, पूरी उनके जो मिनिस्टर्स हैं काफ़ी सारे, उनसे उनकी डिस्कशन चल रही। आई थिंक जब उनको यकीन हो गया कि ये इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग टीम है और गवर्नमेंट फुली कमिटेड है, उनको एनवायरनमेंट देगी, देन उनके लिए डिसीजन लेना आसान हुआ होगा कि क्योंकि उनको उनको ये यकीन आया होगा कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। आई थिंक देन इट बिकम्स रिलेटिवली ईजियर। सो आई रियली होप कि उन्होंने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है अपने वतन के लिए, वो उसको सही से करें, उनके लिए उसको सपोर्ट पूरी प्रोवाइड की जाए, मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन भी स्टेबल रहे, या अगर कोई डिफरेंट गवर्नमेंट आती है वो इस अच्छे प्रोजेक्ट को इसी तरह कंटिन्यू करे। अच्छा डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि डिजिटल पाकिस्तान का जो फ्यूचर है इंशाल्लाह वो कैसा आपको देख रहे हैं? देखें, जैसा कि पहले मैंने कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये सही से इम्प्लीमेंट हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो इसके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप एक पिलर की बात ही ले लें, लेट्स से ई गवर्नेंस की। जब हम कहते हैं कि बाहर के मुल्क में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आई थिंक ज़्यादातर लोगों का रिस्पांस ये था कि यहाँ का सिस्टम बड़ा अच्छा है। तो ई गवर्नेंस इज़ वन स्टेप टूवर्ड्स दैट। अगर आप ई गवर्नेंस, आप हर चीज़ डिजिटाइज कर देंगे तो इससे आप एक सिस्टम ऐसा ले आएंगे जिसमें आपके करप्शन के चांसेस कम है, हर चीज़ सिस्टमेटिक हो जाएगी आपके लिए। कोई भी काम करना है कोई गवर्नमेंट अदारे में या किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड है वो बड़ा स्मूद हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक
एक चीज़ में इसका इम्पैक्ट है। फिर आप डिजिटल लिटरेसी की बात करें, आज से 10-15 साल बाद जब हर चीज़ ऑटोमेट हो जाएगी, कंप्यूटर डिपेंडेंट हो जाएगी, तो अगर आपके आपकी सारी पॉपुलेशन जो है वो कंप्यूटर लिटरेट है, तो आप सोचें कि आपके लिए कितनी आसानी होगी इस एज में सर्वाइव करना। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में कंप्यूटर लिटरेसी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जैसे लिखना और पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह डिजिटल इनोवेशन की बात की जाए, पाकिस्तान में जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत पोटेंशियल है। दूसरा ये कि चूँकि हमारे पास वर्किंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, चीप है, जस्ट लाइक अदर कंट्री लाइक इंडिया और चाइना, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे अगर आप स्टार्टअप इनोवेशन कल्चर को फ़रोग दें तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आपके मुल्क के हालात ठीक रहते हैं, पोलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने के चांसेज हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है अगर आप इसको इसी तरह लेकर चलें अपने विजन को, और जिस तरह की सोच के साथ आप चल रहे हैं अगर आप उसको वाकई ही इम्प्लीमेंट कर सकें तो आई एम वेरी होपफुल, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा, और जो जो सोच लेकर चल रही है हमारी लीडरशिप, मुझे उम्मीद है कि हम उस सोच को अमली जामा पहना सकेंगे। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने डॉक्टर आमिर चीमा साहब की बातें भी सुनी। ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं, आईटी के एक्सपर्ट हैं। नया पाकिस्तान से डिजिटल पाकिस्तान का सफ़र 15 महीनों में तय हुआ। उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान वियतनाम से भी आगे टेक इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में आगे निकलेगा। इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स आनी है, जो कंपनियों ने आना है, वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी और हमारे हालात पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। जमील हुसैन के साथ टीम सभी काजमी को अगले प्रोग्राम तक ले इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।